दिवाली की शुभकामनाएं। आपके मन में जो था उस वजह से आपने पक्ष को आगे लाया, पक्ष के लोगों को चुना, हमने भारी मतों से जीत की है। इनफैक्ट मैं जो वार्ड से हूँ 146 ओला माझीवाड़ा, वहाँ पर तो वन साइड था, वहाँ पे सामने कोई बड़े पार्टी का नेता भी नहीं था और पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो भगवा झंडा है। एनीवेज इलेक्शन ख़त्म हो गया है, मैं आज इलेक्शन का बात नहीं करूँगा क्योंकि शिवसेना के लिए इलेक्शन ठीक है 5 साल में एक बार आता है, लेकिन शिवसेना एक ऐसा है अगर आप कैमरा भगवा पे लगाओगे तो मेरा घर के सामने 365 दिन भगवा हमेशा लहराता है। अगर मैं भार्गव में हूँ या कहीं पर भी हूँ, मेरे घर पे लोग आते हैं, एक पक्ष से एक उम्मीद रखते हैं, मदद की प्रेरणा लेते हैं करके, और उनको मदद की एक अपेक्षा रहती है कि ज़रूर मदद होगा। मेरे घर के सामने ही आमदार प्रताप सर नायक का ऑफिस है, वो भी 365 दिन चालू रहता है। रही बात आज का जो प्रोग्राम है दिवाली की खुशी, आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले काफ़ी सीनियर सिटीजन थे, काफ़ी अपंग लोग थे जो लोग आए और दिवाली की खुशियां मेरे साथ बांटे और मैंने भी उनके ये तो मन में शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाला प्रेरणा देता है, क्योंकि अगर आपके मन में मदद करने की भावना हो और आपके पास थोड़ी ऊपर वाले का आशीर्वाद से लक्ष्मी हो तो फिर आपके पास एक दिल चाहिए, जिगर चाहिए। मैंने कोई आज लाखों रुपया या कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बांटा नहीं, मैंने मिठाइयाँ दी हैं, शक्कर दी है, रवा दिया है, तेल दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगा जो गरीब लोग हैं उनके पास अगर पैसा भी होगा, आज की तारीख में महंगाई इतनी कि शायद वो मिठाई नहीं बनाए या मिठाई खरीदे भी नहीं, क्योंकि हम जब छोटे थे तो घर में करंजी बनती थी और काफ़ी कुछ फल बनते थे और वो दिवाली का खुशी अलग होता था। और मैंने कहा कि वही चीज़ इनके घर में होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जो बड़े लोग हैं वो लोग रेडीमेड दुकान से मिठाई लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो हमेशा घर में बनाते हैं और वो खुशी अलग होती है। और आप देखोगे झोपड़े में भी वो लोग करंजी बना के आजू बाजू में देते, कहीं ना कहीं मेरे इस राशन देने से आज उनके घर में खुशी होगी, 3 दिन वो हंसेंगे और जिस तरह हमने खुशी मनाई उन लोग भी मनाएंगे। आज की तारीख में आप देखोगे कि कंदिल भी महंगा हो गया है, तो गए साल मैंने कंदिल बांटा था तो किसी ने लिखा था अच्छा काम करने जाओ तो थोड़ा बहुत लोग होते हैं जो लोग गलत चीज़ भी बोलते हैं, बोले कि कंदिल बांटने से अच्छा पैसे देने चाहिए थे। अभी कंदील शायद 150-200 रुपये का है, अगर मैं किसी 200 रुपये गरीब के घर में दूँ, पता नहीं उस शख्स वहाँ पे कोई दारू भी ले या घर में पैसे नहीं दिए, एटलीस्ट वो कंदील जब लगता है 10 दिन, एक गरीब बच्चा है जो अपने झोपड़े में भी कंदील लिखता है और जब मेरे यहाँ से गली में से गुजरता है यहाँ पर भी देखता है, तो कंदील की खुशी अंबानी के घर में भी आपको वही देती है, मेरे घर में भी वही देती है और एक झोपड़े में भी वही देती है। तो वो मेरी भावना थी, पर गए साल किसी ने लिखा था कि कंदील के बदले पैसे दे देते, शायद उनकी वो भावना हो, लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर मेरे घर में कंदील लग रही है तो मेरे आजू बाजू में जो गरीब लोग हैं उनके घर में भी लगना चाहिए, तो बस उद्देश्य होता।